देख रहे हैं हमीरपुर टाइम्स न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कोरोना से बचाव के लिए युवाओं ने बांटे मास्क। जी हां, आपको बता दें, कोरोना के दुष्प्रभाव से बचाव के लिए जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। संक्रमण से दूरी बनाए रखने के लिए चलाई जा रही है मुहिम, पर युवा वर्ग भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता दिखाई दे रहा है। वहीं युवा समाज से भी ग्रामीण अंचल में पहुँच कर न सिर्फ जनता को इस भयानक महामारी से बचाव के उपाय बता रहे हैं, बल्कि मास्क वितरण कर ग्रामीण जनता को इस भयानक बीमारी से सुरक्षित भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला जनपद महोबा के ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर युवा समाज सेवी द्वारा जनता को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण निःशुल्क रूप से किया जा रहा है। वहीं समाज सेवी अत्यंत राजपूत द्वारा निभाई जाने वाली इस महत्वपूर्ण भूमिका को सभी वर्गों द्वारा सराहा जा रहा है। सिझारी गांव में पहुंचकर युवा समाज सेवी द्वारा 100 से अधिक मास्क वितरित किए गए। साथ ही उन्होंने ग्रामीण जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोच लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की है। वहीं अत्यंत राजपूत ने ग्रामीणों से समय समय पर साबुन से हाथ धोने और मास्क का उपयोग कर हर हाल में किए जाने की बात कही है। और ये आपने जी मास्क वितरण किए, किस उद्देश्य से वितरण किए? इस टाइम पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारा पूरा देश और पूरा विश्व इस टाइम पर एक महामारी है जिसका नाम कोरोना वायरस है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, उससे जूझ रही है। तो गांव में क्या है कि इस टाइम पर ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, हर आदमी के पास नहीं पहुँच पाती हैं, इतनी समस्याएँ हैं। तो उन सबसे मैं गाँव में एक सामाजिक कार्य कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, मेरे भाई हैं, जो हम सब लोग मिल के ये काम कर रहे हैं, और ताकि हमारा गांव जो ये बीमारी है, जो ये संक्रमण है, इससे सुरक्षित रहे, इसके लिए पूरे गांव में मास्क का वितरण करवा रहा हूं मैं। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास में राशन पानी या जिस भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, जो भी मेरे से संभव मदद हो पाएगी वो कर रहा हूं मैं उनकी। हमारा गाँव सुरक्षित रहे इसलिए ये सब काम किए जा रहे हैं। आपने आज ही वितरण किए हैं और भी पहले? नहीं नहीं, ये करीब 3-4 दिन हो गए तब से हमारा काम लगातार चल रहा है। इसके पहले हम अपने गाँव में मोहल्ले वाइज सबसे पहले हम लोगों ने सुभाष नगर में, कल अमरगंज में, और आज मंदरन से लेकर के अपने घर तरफ जहाँ पर भी है, पूरे गांव में आज हम कर डिस्ट्रीब्यूट।